हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं ECS T10 मालमो में होने वाले आज के तीसरे और चौथे मुकाबले की। गोटेनबर्ग सिटी और यहां पर लैंस कोरोना के बीच में मुकाबला होने वाला है। पिछले साल लैंस कोरोना मुझे लग रहा था कि खेली है क्योंकि मैंने कई बार लैंस कोरोना बोला था पिछले साल और वो मुझे याद आ गया। मैंने देखा भी अपने स्टेट्स में कि भाई लैंस कोरोना पिछले साल नहीं खेली थी, इनके होम ग्राउंड्स के ऊपर मुकाबले हो रहे थे। बट अगर आप देखो तो इनके होम ग्राउंड पर मुकाबले हो रहे थे, ये टीम नहीं क्वालिफाई कर पाई थी। इस साल ये टीम क्वालिफाई कर पाई है और आपको खेलते हुए दिखेगी लैंस कोरोना के अपने होम ग्राउंड पर ही। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है। ऊपर आई सेक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि भैया बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की वीडियो आपका इंतजार कर रही है, तो आप किसका इंतजार कर रहे हो, आप भी जाकर देखा हो उस वीडियो को। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर 24-23 मुकाबला आपको खेलते हुए दिखेंगी दोनों की दोनों टीम्स। लैंस कोरोना ग्रेट क्लब पे आपको ये मैच लाइव देखने को मिलेगा। 6 बजे आप इस मैच को लाइव देख सकते हो, फैन कोर्ट पर आप इस मैच को लाइव देख सकते हो। प्रीव्यू की अगर आप बात करो तो पहला मुकाबला इन दोनों टीम्स का और अभी के लिए पहला मुकाबला खुद दोनों टीम्स आपको खेलते हुए दिखेंगी। प्रीवियस एडिशन की अगर आप बात करो ECS T10 मालमो में, गोटेनबर्ग सिटी तो आपको यहाँ पर खेलती हुई दिखी थी, अपने चारों के चारों मुकाबले हारती हुई दिखी थी। बट अगर आप लैंस कोरोना की बात करो तो डेब्यू आपको करते हुए दिखेंगे। और एक बढ़िया चीज़ ये है कि ये आपके लिए ECS डेब्यू करने वाले हैं और अपने होम ग्राउंड्स के ऊपर खेलते हुए दिखेंगे। पिच की अगर आप बात करो ना तो भैया अभी मैंने देखी है ना, रबड़ की पिच कर दी है। अब मेन बात क्या है कि वो आपको एक पिच होती थी, मतलब एक आपके पास होता है सिर्फ और सिर्फ ग्रास वाला टर्फ, ठीक है, मतलब आपने मैट बिछा दिया और उसके ऊपर आप खेल रहे हो तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप उसके ऊपर खेल रहे हो, वहाँ पर आपको ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ, ये होता है कभी कभार पिच वो वाली आपको चेंज होती हुई दिख सकती है, अगर जैसे बारिश वारिश हो गई तो वहाँ पर ना वो पिच हैवी हो जाती है, वो पानी सोख लेती है। अब ये क्या है, ये एस्ट्रो टर्फ के ऊपर खेल रहे हैं और वो चीज़ बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है, क्योंकि एस्ट्रो टर्फ, अगर मैं सही बताऊं कि भैया एस्ट्रो टर्फ है क्या, एस्ट्रो टर्फ अगर आपने हॉकी देखा हो, अभी हॉकी बहुत न्यूज़ में आया, आपने देखा भी हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि सबने एटलीस्ट एक आधा मुकाबला तो देखा ही होगा, वो है एस्ट्रो टर्फ, जिसको पानी, जिसके ऊपर आप पानी वानी डालते हो, जो आपके लिए मतलब पानी जब आप डालोगे उसके ऊपर तो पानी सोख भी लेता है, वो पानी मतलब पीता भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सोख के भैया नीचे मिट्टी में चला जाना, पानी वो सोखता नहीं है, वो मतलब अपने अंदर ही रखता है पानी। तो वो चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिली है कि अभी एस्ट्रो टर्फ यूज़ कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। वो वाली पिच भी आपके लिए बढ़िया थी। गोटेनबर्ग की अगर आप बात करो, यहाँ पर महमूद आपके पास हैं, उसके बाद इस्लाम, एम राहत, उसके बाद राजू आपके पास हैं, हरिंदर सिंह आपके पास हैं, रिजीन आपके पास हैं, अबू जार आपके पास हैं, असलम आपके पास हैं, उसके बाद शहीन आपके पास है, रहीम खान आपके पास है, राशद अली आपके पास है। अब यहाँ पर अगर आप देखो गोटेनबर्ग के 11 टॉप प्लेयर जो है मैं उनके स्टैट्स आपके लेकर आया हूँ, इनमें से कोई भी अलग प्लेयर आता है मैं आपके लिए स्टैट्स ढूंढ कर लेकर आऊँगा और आपको मैं स्टैट्स ला कर दे दूँगा। उसके बाद अगर हम बात करो, अबू जारा आपके पास है 6 मैच में रन 153, विकेट अगर आप देखोगे एक, मोहम्मद राहत, इसके स्टैट्स नहीं मिले। उसके बाद यहाँ पर शाहिदीन मोहम्मद 5 मैचेस में 129 रन, एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर। उसके बाद अगर आप देखो तो बालचंद्रन 6 मैचेस में रन 32 और विकेट 4, एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है आपके लिए बालचंद्रन। उसके बाद अगर आप देखो डी राजू आपके पास 7 मैचेस में रन 74 और विकेट 4। उसके बाद अगर आप देखो हरिंदर सिंह 6 मैचेस में रन 33 विकेट 4। असलम अदनान आपके पास है 2 मैचेस में रन 11। उसके बाद कसूर महमूद आपके पास है 7 मैचेस में रन 101 विकेट 7। उसके बाद अगर आप देखो रहीम खान 3 मैचेस में विकेट 2। ये पूरी की पूरी टीम आपके पास है और यही प्लेइंग 11 में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसी में से आपको 8 से 9 से 10 प्लेयर्स आपको प्लेइंग 11 में आते हुए दिखेंगे। लैंस कोरोना की अगर आप बात करो, नदीम तारिक खान, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये मुझे भी अभी अभी मतलब जब मैं पिछली ECS T10 सीरीज़ कवर कर रहा था ना, तब मुझे पता लगा कि ECS ऐसे ही सारे के सारे क्लब नहीं उठा लेता है। ECS क्या करवाता है भैया, सबसे पहले क्वालिफाइंग मुकाबले करवाता है ECS, तो वो क्वालिफाइंग मुकाबले आपको कहीं पर नहीं देखने को मिलेंगे, क्लब्स भी नहीं बताते हैं उनके बारे में। एक आधे क्लब ने अपना क्वालिफाइंग मुकाबले का जो स्कोर कार्ड था वो दूसरी वेबसाइट पर डाल रखा था और वहाँ से मुझे पता लगा कि ऐसे नहीं आप आ जाते हो कि भैया ECS T10 खेलने आ जाओगे, कोई भी टीम है, कोई भी 11 प्लेयर, ना जी ना। ये क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हुआ करता था जब जब बिल्कुल स्टार्टिंग में कोरोना आया था, जब कोई भी इंटरनेशनल मैचेस नहीं हो रहे थे, तब इन्होंने कोई भी क्लब बुला लिया था, जो भी मतलब आपको लगता है जैसे आपके देश में, मतलब अगर आप मानकर चलो कि
यहीं पर हो रहे हैं मुकाबले, लैंड्स कोरोना में ही मालमो में मुकाबले हो रहे हैं, तो मालमो के 5-7 और टॉप के क्लब उठाकर उनसे उनके मुकाबले करवा दिए। बट अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि भैया सबसे पहले आप क्वालिफाई करोगे ECS के लिए, क्वालिफिकेशन मुकाबले खेलोगे, फिर उसमें से जो टॉप टीम्स होती हैं वो क्वालिफाई करती हैं। उसके बाद अगर आप देखो, इमरान रजाक कयानी आपके पास है, सागर आपके पास है, उसके बाद निशांत राज आपके पास है, जावेद खान आपके पास है, मयंक आपके पास है, पलाश जहा आपके पास है, उसके बाद रमीज आपके पास है, सुशांत कुमार, उसके बाद सुशांत कुमार देवांत आपके पास है, उसके बाद वरुण ढींगरा आपके पास है। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर नदीम तारिक खान 28 मैचेस में 374 रन मुकाबले अगर आप देखो तो ज़्यादा खेल रखे हैं और रन्स भी उस हिसाब से ठीक ठाक कर रखे हैं। इमरान कियानी 33 मैचेस में रन्स 563 और विकेट 23, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए। सागर मोहम्मद हनीफ 29 मैचेस में 453 रन, विकेट 19। उसके बाद अगर आप देखो निशांत राज आपके पास है 12 मैचेस में रन्स 86, जावेद खान शनवारी 17 मैचेस में रन्स 97 विकेट 18, मयंक चौहान 4 मैचेस में रन्स 91 विकेट 3, पलाश झा 2 मैचेस में रन्स 5। उसके बाद सुशांत कुमार देवाता की अगर आप बात करोगे 20 मैचेस में रन्स 162 विकेट 18, वरुण डिंगरा 19 मैचेस में रन्स 11। उसके बाद अगर आप देखो अमृतांशु सिंह आपके पास है 23 मैचेस में रन्स 110 और विकेट 23। उसके बाद अंकित प्रकाश खराड़े आपके पास है 30 मैचेस में रन्स 45, एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए, क्योंकि भैया अगर आप मुकाबलों से ज़्यादा, मतलब अगर आप देखो तो करीब करीब इसने 1.5 विकेट पर मुकाबले में चटका रखी है, तो वो चीज़ आपको देखकर चलनी है। 1.5 का ये मानकर चलो कि आज के मुकाबले में 1 चटकाली तो अगले मुकाबले में 2 चटकाली, ऐसा कुछ इसका अभी तक रिकॉर्ड रहा है। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी टीम डिस्कस कर लेंगे, अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है। प्लस ऊपर आई सेक्शन में आपका जो इंतज़ार कर रही है वो भैया बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की वीडियो आप इंतज़ार कर रही है, अगर आपने नहीं देखी वो जाकर देख कर आओ। अब यहाँ पर अगर आप देखो आपके पास प्लेयर्स कौन कौन से हैं, प्लस साथ में टीम्स आपके लिए कौन सी ज़्यादा बढ़िया रहने वाली हैं। सबसे पहले एस महमूद इज़ अ गुड पिक, एन तारिक अगर आप देखो तो भैया इसके स्टैट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्टैट्स हैं, आराम से ट्राई करो एन तारिक खान अगर आप ट्राई करना चाहते हो, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए। बैटिंग सेक्शन में एस मोहम्मद, आई रजाक कयानी और ए अदनान की सिलेक्शन देख लो बहुत ज़्यादा कम है, ग्रैंड लीग में आपके लिए बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है। एमराहत को भी आप ट्राई कर सकते हो अगर आप सेफ जाना चाहते हो, एमराहत पिछले साल आपको ठीक ठाक परफॉर्म कर देकर गया था। उसके बाद एच सिंह आपके पास है, जे खान, डी राजू और उसके बाद अगर आप देखो एम चौहान, ये 4 प्लेयर्स आपके लिए बहुत बढ़िया हैं। आर बालाचंद्रन के मैंने आपको स्टैट्स बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। यहाँ पर अगर आप देखो सिटी के लिए, मतलब आपके पास जो गोटेनबर्ग सिटी है, जो हाँ गोटेनबर्ग सिटी जो टीम है उसके लिए बहुत बढ़िया आपको परफॉर्म कर देकर गया है, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए है। उसके बाद अगर आप देखो बैटिंग सेक्शन में एस कुमार, एम शाहीन और यहाँ पर एस राजेंद्र, पूरी की पूरी टीम ये आपके लिए, मतलब ये प्लेयर्स आपके लिए बढ़िया है। वी डिंगरा इज़ अ गुड पिक, वी डिंगरा इज़ अ इंपॉर्टेंट प्लेयर, अगर खेलता है टीम इसे खिलाती है तो आप आराम से ट्राई कर सकते हो, सबसे पहली टीम। एच सिंह एज अ कैप्टन, वाइस कैप्टनसी जो दे रखी है वो दे रखी है जी आई रजाक कयानी को। उसके बाद एस मोहम्मद, ए अदनान, डी राजू, जे खान, उसके बाद एम चौहान, एस मोहम्मद, एस शाहीन, एस रघवेंद्र और एस कुमार देवेंद्र आपके पास है, पूरी की पूरी टीम आपके लिए। स्मॉल लीग स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है, अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। दूसरी टीम की अगर आप बात करो, डी राजू एज अ कैप्टन, वाइस कैप्टनसी एस मोहम्मद, एस महमूद, उसके बाद एम राहत, आई रजाक कयानी, उसके बाद यहाँ पर पी बालाचंद्रन, एस सिंह, जे खान, उसके बाद अगर आप देखो एम शहीन, एस राघवेंद्र और उसके बाद एस कुमार, पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर।